केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध भी करना चाहता हूँ और उनको चैलेंज भी करना चाहता हूँ कि वो तथ्य लाएं सामने, साक्ष्य लाएं। क्या वाकई में केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना चोरी हो गया है? अब केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया है कि मीडिया क्यों इतने बड़े घोटाले को नहीं दिखा रहा है। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। देवभूमि उत्तराखंड के चार धामों में से एक केदारनाथ धाम पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। केदारनाथ मंदिर से कई किलोग्राम सोना चोरी होने की बात सामने आ रही है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इसे सोना घोटाला नाम दिया है। शंकराचार्य का दावा है कि मंदिर से 228 किलोग्राम सोना गायब हो गया है। अब दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनने जा रहा है, वहाँ भी घोटाला होगा। केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया, ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया, कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के इस खुलासे के बाद हर कोई हैरान है। उनके इन आरोपों को विपक्षी दलों ने बड़ा मुद्दा बना लिया है और अब विपक्ष केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकारों को घेरने में लग गया है। हालांकि बीकेटीसी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। शंकराचार्य के आरोपों पर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा, मैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का सम्मान करता हूँ, लेकिन वह दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। विवाद खड़ा करना, सनसनी फैलाना और खबरों में बने रहना उनकी आदत हो गई है। देखिए, एक संत के रूप में मैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का बेहद सम्मान करता हूँ, किंतु आप भी जानते हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की सुबह शाम लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं और इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शायद राजनेता भी नहीं करते होंगे जितने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी करते हैं। और विवादों को खड़ा करना, सनसनी फैलाना और चर्चाओं में रहना स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की फितरत में शामिल है। उन्होंने केदारनाथ जी को लेकर के, केदारनाथ धाम में सोने के गायब होने को लेकर के जो बयान दिया है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना ही नहीं, बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने शंकराचार्य को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उन्हें सचमुच लगता है मंदिर में सोना चोरी हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएं और सबूत पेश करें। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध भी करना चाहता हूं और उनको चैलेंज भी करना चाहता हूं कि वो तथ्य लाएं सामने, साक्ष्य लाएं और उसके साथ में वो सक्षम अथॉरिटी के समक्ष जाएं और सक्षम अथॉरिटी के सामने तथ्य प्रस्तुत करें, जांच के लिए मांग करें। और अगर उनको किसी सक्षम अथॉरिटी पर भरोसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, जनहित याचिका दाखिल करें और उसके जांच की मांग करें अगर उनके पास वास्तव में किसी प्रकार के कोई साक्ष्य हैं। और नहीं तो बेवजह किसी प्रकार के विवाद खड़े करना केदारनाथ जैसे धाम पे की गरिमा को और उसके जो महत्ता है उसको ठेस पहुंचाने का स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। और केवल विरोध करने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए और कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अगर वो कार्य कर रहे हैं तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें, शंकराचार्य ने जिस सोना घोटाले का जिक्र किया है वो मामला पिछले साल का है। जून 2023 में केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी संतोष त्रिवेदी ने सोना घोटाले का खुलासा किया था। उनका आरोप था कि मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर 125 करोड़ का सोना मढ़वाया गया था। 2005 में किसी ने सोना दान किया था, तब सोने को मंदिर की दीवारों पर लगवाया गया था। संतोष त्रिवेदी का दावा था कि केदारनाथ मंदिर की दीवारों पर लगा सोना अब पीतल में तब्दील हो गया है। केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी संतोष त्रिवेदी ने न सिर्फ सोना चोरी होने का दावा किया था बल्कि उन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति पर इस गड़बड़ी का आरोप भी लगाया था। उस वक्त भी बीकेटीसी ने एक बयान जारी कर इन आरोपों को झूठा बताया था और इसे मंदिर प्रबंधन को बदनाम करने की साजिश करार दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।